तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने का प्रयास किया है कि आपको गोल्ड को कैसे ट्रेड करना है, यूरो यूएसडी को कैसे ट्रेड करना है और यूएस ऑयल को कैसे ट्रेड करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये वाला लेवल देखिए जो मैंने आपको टेलीग्राम में दिया था। तो दोस्तों इस लेवल को देखकर आप बताइएगा मुझे कि आपको कैसे लग रहे हैं हमारी ट्रेडिंग लेवल, हमारा एनालिसिस वीडियो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये दिया था कि इस रेंज में ज्यादा सेलिंग की संभावना है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद, और आपको बाय तभी करना है। ये मैंने ग्रीन लाइन लगा कर दी थी कि 1881 से अगर ऊपर रुकता है तो उसके बाद आप एक छोटा स्टॉप लॉस लेकर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक बार ये वाला चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है लाइव चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार गोल्ड ने यहाँ पर 1879 से यहाँ पर आप देख सकते हैं 1648 तक गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 पॉइंट से भी ज्यादा गोल्ड गिरा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों ने भर भर के प्रॉफिट बनाया और काफी लोगों के मैसेजेस ये भी आ रहे थे कि सर आप इतना एक्यूरेट कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हो। दोस्तों मैं तो आपको अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि देखिये जो भी मैं ट्रेडिंग लेवल्स बताता हूँ तो 100% श्योरिटी नहीं होती, लेकिन हाँ जिस तरीके की मार्केट कंडीशन दिख रही होती है मैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा बोलता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों वो सिर्फ कन्विक्शन आता है प्रैक्टिस से कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आप कितने टाइम से और किस तरीके से चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो खैर आज हम फिर से अगेन फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं और ये वीकली वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सप्ताह में गोल्ड किधर जाएगा। उस चीज को एनालिसिस करने के लिए हमें पहले फॉरेक्स की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको देखना होता है। तो आइए चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने investing.com पर। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं investing.com की हम वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें टूल्स में जाना है और इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्लिक करना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट वीक के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर देखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट वीक पर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आने वाले सप्ताह के लिए हमें यहाँ पर न्यूज देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संडे में तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है क्योंकि ये इस महीने का लास्ट डे है। तो लास्ट डे में जैसे कि मैं आपको बताता हूँ चाइना से डेटा आता है, तो ये कमोडिटीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें जैसे कि गोल्ड के अलावा जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, निकल इनमें ट्रेड करते हैं। तो खैर हम आगे बात करते हैं फॉरेक्स की। तो यहाँ पर आप देखिए मंडे में यहाँ पर छुट्टी रहने वाली है चाइना की, तो इससे बहुत खास प्रभाव मार्केट पर नहीं पड़ने वाला है। इंडिया की भी छुट्टी रहने वाली है, महात्मा गांधी जयंती है 2 अक्टूबर की, और उसके बाद यूएस से 3 डेटा आने वाले हैं, ISM, मैनुफैक्चरिंग PMI, और ये रहेगा सेप्टेम्बर के लिए एक PMI, एक प्राइज इंडेक्स का डेटा, और फेड चेयर जेरोम पॉवेल जी यहाँ पर स्पीक करेंगे, ठीक है, यानी कि उनकी कोई मीटिंग रहने वाली है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे में आप देखेंगे यहां पर ट्यूसडे यानी कि 3 अक्टूबर में तो चाइना का अगेन यहां पर हॉलीडे लगने वाला है और इससे हमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ट्रेडिंग में। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए और यूएसडी के लिए 2 न्यूज है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं RBI इंटरेस्ट रेट डिसीजन, तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए और यूएसडी के लिए JOLT जॉब ओपनिंग रिपोर्ट, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। उसके बाद वेनेसडे में आप यहां पर देख सकते हैं यानी कि 4 अक्टूबर में अगेन चाइना का हॉलीडे है, और उसके अलावा यहां पर न्यूजीलैंड डॉलर के लिए इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, और यूएसडी के लिए यहां पर ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, S&P ग्लोबल सर्विस और ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI, और यहां पर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री। तो सारे के सारे डेटा यहां पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद आप यहां पर अगेन देखेंगे इस पूरे सप्ताह में चाइना की तो छुट्टी रहने वाली है, तो अपने को उससे कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहां पर आप थर्सडे में देखेंगे यूएसडी के लिए इनिशियल जॉबलेस रिपोर्ट का डेटा आएगा, और फ्राइडे में आप फिर से देख सकते हैं यहां पर एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फॉर्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो यानी कि इस सप्ताह भी मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जिस तरीके से मैंने आपको अपने लास्ट वीक में बताया था कि मार्केट में इस सप्ताह गोल्ड एक बढ़िया मूवमेंट दे सकता है, तो इसी प्रकार से इस सप्ताह भी मार्केट में एक बढ़िया मूवमेंट आ सकता है, और वो मूवमेंट किस प्रकार से आएगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे अपनी इसी वीडियो में, और डे बाय डे तो हम आपके साथ वीडियो शेयर करते ही रहते हैं। दोस्तों बिना देरी के और बिना इधर उधर की बात किए अभी चलते हैं हम अपने गोल्ड के चार्ट पर, और वहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि गोल्ड में इस सप्ताह किस प्रकार से और किस साइड को मोमेंट आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको किसी भी मार्केट को एनालिसिस करना होता है, दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले आपको मार्केट में देखना चाहिए फॉरेक्स फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उसका फंडामेंटल पता होना चाहिए कि फंडामेंटली क्या न्यूज आ रही है, क्या इवेंट्स हैं, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा फिर आपको मार्केट में चार्ट पे करना होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस करने के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि आपको हमें से स्टार्ट करना होता है लॉन्ग टाइम फ्रेम में। जैसे कि मैं इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में लगा देता हूं 15 मिनट में, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे कि आप यहां से यहां तक देख सकते हैं, अप ट्रेंड भी दिख रहा है, उसके बाद आप इधर आएंगे तो डाउन ट्रेंड है यहां पर, है ना। उससे पहले आप यहां पर देखेंगे कंसोलिडेशन भी हो रहा है। तो आपको ना शॉर्ट टाइम फ्रेम में उतनी बेहतर तरीके से चीजें समझ नहीं आ पाती है, तो इसीलिए आपको हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए। इवन जब आप ट्रेड करते हैं तो भी आपकी स्क्रीन के सामने एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में चार्ट चल रहा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं 4 आवर का मैंने चार्ट लगाया, और अभी देखिए पिक्चर आपके लिए कितनी ज्यादा क्लियर होने वाली है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं गोल्ड यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, यहां पर फिर से ऊपर गया, उसके बाद यहां पर स्ट्रांगली बेरिश रहा, उसके बाद फिर से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और यहां पर आप देख सकते हैं फिर से अगेन एक डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है। ओके, तो आइए अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूं जो मैंने कल यहां पर लेवल दिया था वो किस प्रकार से दिया था। देखिए मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, फिर से अभी बता देता हूं, जब मार्केट यहां पर आ गया था उसके बाद आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये 4 कैंडल बनी, यानी कि 16 घंटे तक मार्केट इसी रेंज में रहा। तो मार्केट देखिए मैं आपको बताता रहता हूं कि साइकोलॉजी का ही गेम है, तो साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होती है आपकी प्रैक्टिस से। जब यहां पर मार्केट 16 घंटे तक इसी रेंज में रहा तो इसका मतलब ये एक डिसीजन मेकिंग जोन हो सकता है। तो यहां पर अगर मार्केट इससे ऊपर जाता है, यानी कि जो 16 घंटे के यहां पर बायर सेलर के बीच में लड़ाई चल रही है, तो अगर यहां पर एक बड़ी सी कैंडल बन जाती यहां पर ग्रीन कलर की, तो इसका मतलब ये 16 घंटे के लोगों को उस 4 घंटे के कैंडल ने यहां पर बीट कर दिया था ना, तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पर आपको एक लेवल दिया था कि भाई आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं और बाय एक स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अपने स्क्रीनशॉट में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने आपको लेवल दिया था 1881 का, ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट मतलब वहां तक गया ही नहीं। तो दोस्तों ये जो मैजिकल लेवल होते हैं, ये जो एडवांस लेवल की एनालिसिस होती है, तो ये बहुत पावरफुल होती है, और लोग तो इसको काफी बार मैजिक ही समझते हैं, बोलते हैं कि आप ही मार्केट चलाते हैं क्या ऐसा कुछ। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ना कहें आप, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता, मतलब ये तो सिर्फ एनालिसिस के बिहाव पर कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमने इसीलिए डिसीजन लिया कि यहाँ पर हम सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1879 से मार्केट यहां पर 1848 तक आ चुका है। तो देखिए आपको 30-32 पॉइंट का यहां पर मूवमेंट मिल चुका है, और एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको चाहिए होता है सिर्फ मूवमेंट, वोलेटिलिटी। तो यहां पर जिनके पास बढ़िया वाली स्ट्रेटजी थी या फिर हमारे प्राइवेट ग्रुप के मेंबर रहे हैं लोग, उन्होंने बढ़िया प्रॉफिट बनाया है डेफिनेटली। तो अभी देखते हैं अभी गोल्ड की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। एक चीज और बता दूं मैं दोस्तों आपको साथ साथ में, देखिए जो बिगनर्स लोग होते हैं ना, इस तरह की कैंडल देखकर वो सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार यहां पर तो मार्केट कंसोलिडेट किया, एक ये रेड कैंडल बनी आ रही है, अब यहां पर ग्रीन बन गई, तो काफी सारे लोगों ने डेफिनेटली बाय भी किया होगा यहां पर। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं कि फिलहाल क्या कंडीशन रहने वाली है। देखिए मैं इस लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको जूम आउट करता हूं, तो दोस्तों यहां पर देखिए ये 2 लेवल लगाए हैं मैंने। अब ये क्यों लगाए हैं, इसका रीजन भी सुनिए, मैं हर चीज का रीजन बताना पसंद करता हूं। यहाँ पर देखिए आप जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रेंड देखना होता है, ट्रेंड देखने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस देखने होते हैं। अब देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की डेफिनेशन होती है ये, जब मार्केट 2 या 2 से ज्यादा बार एक लेवल से काफी ऊपर तक गया हो, यानी कि रिवर्स करके एक बड़ा मोमेंट दिया हो, तो वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस होगा। अभी देखिए ये मैंने क्यों आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया और इसी लेवल से ऊपर गया। अब ये यहां से यहां तक कितना ऊपर गया ये देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये, मार्केट यहां से चल के यहां तक गया, यानी कि मार्केट कहां से चला 1812, ठीक है, यानी कि 1812 से मार्केट यहां पर 2045 तक गया। तो देखिए कितना बड़ा मोमेंट है, मार्केट ने कितना बड़ा मतलब यहां पर आपको प्रॉफिट दिया है। तो यहां पर अब देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर बताता हूं, यहां पर हुआ क्या कि जिस बंदे ने यहां पर 1811 से यहां पर बाय किया, यानी कि 1811 या 10 की रेंज से, अल्टीमेटली यहां तक गया 2080 तक,
तो देखिए यहाँ पर जब किसी ने खरीदा और यहाँ पर बेचा तो उस बंदे ने यानी कि उस इंस्टीट्यूशनल ने कितना बड़ा प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, उस कम्युनिटी ने बोलूंगा क्योंकि कुछ लोग तो होते नहीं, कम्युनिटी होती है बहुत बड़ी जो इतना बड़ा प्रॉफिट बनाती है। उसके बाद उन्होंने जब सेलिंग करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है, नीचे आना शुरू हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी काफी नीचे आ चुका है। तो दोस्तों एक मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने अगर कोई चीज 1 लाख रुपए की खरीदी, ठीक है, और वो 1 लाख रुपए से अभी यहाँ पर अगर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं कि वो 10 लाख पर चली गई, ठीक है, हालांकि यहां से यहां तक का जितना बड़ा मूवमेंट है तो मिलियंस और ट्रिलियंस की बात करी जाए तो ही बढ़िया होगा, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, आपने कोई चीज 1 लाख रुपए की खरीदी और वो 10 लाख रुपए उसका रेट हो गया, आपने उसको बेचकर मार्केट से आप बाहर हो गए, तो फिर से वही चीज आपको 1 लाख या 1.5 लाख में मिल रही है तो आप उसे खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, बताइए। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये चीज जो मैंने आपको बताई है ये एक आपको मतलब लाखों रुपए की फीस देके प्रीमियम क्लास में देखने को मिलती है। तो इसीलिए जब प्राइस यहां पर आएगा 100% तो कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जब यहां पर नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ आ ही रहा है, तो अगर यहां पर आएगा तो इस तरीके से मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करके ऊपर जाना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर ये 2 लेवल हैं तो मार्केट यहां से भी जा सकता है या फिर इसके अलावा मार्केट इस वाले लेवल को भी टच कर सकता है, क्योंकि यहां पर जिन लोगों ने पहले बाय किया था उनको ये प्राइस डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, ठीक है। तो ये होती है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हम पहले से अपने चार्ट में मैपिंग कर लेते हैं, तो मैपिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बताया, आपको फंडामेंटली इवेंट्स देखने होते हैं, देन उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखना होता है, आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाने होते हैं, देन उसके बाद आपको मैपिंग करनी होती है अपने चार्ट पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैपिंग भी हो गई, अभी अपने क्या है कि अपने को ट्रेड लेना होता है, एज ए इंट्राडे ट्रेडर हम 4 आवर के चार्ट में तो ट्रेड नहीं, लेकिन हमारी स्क्रीन के सामने चलता रहना चाहिए। तो ट्रेड हम कैसे लेंगे, ट्रेड लेंगे हम 5 मिनट या फिर 15 मिनट में। अभी एंट्री कैसे लेनी है दोस्तों वो आपको पता चलेगा अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास कोई बढ़िया सेटअप है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज ये सेटअप कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे आपको एग्जिट करना है वो मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में बताया है, और प्राइवेट ग्रुप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, और उसका भी तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमने आपको गोल्ड के लेवल देने का प्रयास किया है दोस्तों, क्योंकि गोल्ड अभी स्ट्रॉन्गली सेलिंग में है और हमारा जो लेवल है ना नेक्स्ट लेवल रहने वाला है, यहाँ पर मैं फिर से बोलूंगा 1835 से और 1825 ही 10 पॉइंट की रेंज यहां तक रहने वाला है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है मार्केट नीचे की तरफ तो हमारा जो फाइनल लेवल रहेगा 1805 से लेकर 1815 ये 10 पॉइंट की रेंज का रहेगा। तो यहां पर जब भी मार्केट इस रेंज में आता है दोस्तों तो हम बाइंग के बारे में जरूर सोचेंगे। तो ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस है, अभी इसी के साथ हम करते हैं यूरो यूएसडी का एनालिसिस। ये देखिए हमारा ये यूरो यूएसडी का एनालिसिस है, लगातार मैं जैसे कि आपको बताता हूँ डेली लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ यूरो यूएसडी चल रहा है। यहाँ पर फिर से मैंने बोला था कि अपना अगर लोअर लो ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर यूरो यूएसडी ने अपना लोअर लो ब्रेक किया और ये काफी नीचे तक गया, ठीक है। तो अभी देखिए मार्केट की कंडीशन क्या है, क्या यूरो यूएसडी में एक बुलिश मोमेंट आ गया है। देखिए इसका जो फाइनली लोअर हाई है वो है ये वाला, यहाँ पर मैं आपको लाइन मार्क करके बता देता हूँ, और उसके बाद जो अल्टीमेटली लोअर लो है फाइनल लो है ये वाला, तो यानी कि मार्केट अभी अपने लोअर हाई और लोअर लो के बीच में घूम रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, इस तरीके से हाई बनाया फिर कंसोलिडेट हुआ फिर से ऊपर गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्केट ब्रेक कर सकता है लेकिन अपनी कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी इस लेवल पर। अगर क्लोजिंग हो जाती है ग्रीन वाली तो हम बाय कर सकते थे स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन यहाँ पर मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर से हैवी सेलिंग आई, जितनी बड़ी ये कैंडल बनी थी इस कैंडल को बीट कर दिया है इन 3 कैंडल्स ने, ठीक है। तो यानी कि अभी मार्केट क्या कर सकता है, इस रेंज में घूम सकता है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहां पर मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, अपने को सेल कब करना है जब ये वाला लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा, यानी कि एक न्यू लोअर लो बनता है तो आप बिंदास इसमें यूरो यूएसडी में सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर मार्केट कंसोलिडेट करके और ऊपर का लेवल ब्रेक कर देता है यहां पर ये वाला, तो ये है अपना लोअर हाई। तो दोस्तों अगर यहां पर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो दोस्तों डेफिनेटली आप यूरो यूएसडी में पोजिशनल बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आपको कितने कम समय में और कितना सिंपल वे में आपको बताने का प्रयास किया है। आप लोगों ने काफी लोगों के चार्ट देखे होंगे जो मतलब एकदम कचरा किए रखते हैं अपने चार्ट का, बहुत सारे इंडिकेटर, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, बोलिंगर बैंड और एक्स वाई जेड दुनिया भर के इंडिकेटर होते हैं, तो चार्ट में उनको वैसे कुछ समझ नहीं आता। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपका चार्ट जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतना आपके लिए बेहतर है, चीजों को समझने में आसानी होगी। आपको जो समझने का प्रयास करना है इन कैंडल्स के बीच की साइकोलॉजी, ये कैंडल्स क्या बोल रही हैं, और ये आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा और सही एजुकेशन के साथ। तो यहाँ पर भी हमने आपको ये यूरो यूएसडी की यहाँ पर आपको मैपिंग दी है, इसको भी आप डेफिनेटली सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। ये वाला लेवल जैसे यहाँ पर क्रॉस होता है तो आप बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं, ये वाला होता है तो सेलिंग की। और जिन लोगों को थोड़ा सा प्राइस देखने में प्रॉब्लम होती है तो जो आपकी यूट्यूब वीडियो चल रही है उसको दो उंगलियों से ऐसे मतलब स्क्रॉल करके तो आप उसे क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं वीडियो को, तो आप इस वीडियो के लेवल्स वगैरह सब देख लिया करें। और दोस्तों इसी के साथ हम यहाँ पर एक बार क्रूड ऑयल का भी चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्गली बुलिश है, वेरी हाई बुलिश चार्ट। तो यहाँ पर अभी क्रूड ऑयल के क्या कंडीशन रह सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में इस तरीके से क्रूड ऑयल ने कंसोलिडेट किया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और डेफिनेटली इतना ऊपर गया तो अपने इस वाले लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अभी यहां से फिर ये नीचे आ रहा है तो 50% तो आ गया जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी यहां पर ये यूएस ऑयल जो भी है यहां पर कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। तो एक तो ये वाला लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां पर आने के बाद फिर से ऊपर चला जाए, लेकिन डेफिनेटली यहां पर जो फैंटास्टिक लेवल है आपको यहां पर ये वाला देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर ये वाला लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो जाता है दोस्तों इस प्रकार से, तो आप यूएस ऑयल में सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं, यूएस ऑयल काफी नीचे तक जा सकता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करता है वॉल्यूम के साथ तो यूएस ऑयल यहीं से फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये हुई हमारी यूएस ऑयल की मैपिंग और ट्रेड इसको आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग करना है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने का प्रयास किया है कि आपको गोल्ड को कैसे ट्रेड करना है, यूरो यूएसडी को कैसे ट्रेड करना है और यूएस ऑयल को कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों ऑनेस्टली अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अपने नियर्स और डियर्स को जिन लोगों को भी जरूरत है सही एजुकेशन की उनको ये आप वीडियो शेयर जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ ही प्राइवेट ग्रुप के बारे में आपको बताना चाहूंगा, वहां पर हमने फॉरेक्स के एडवांस एनालिसिस और वहां पर नॉलेज दी है आपको, और वहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि फॉरेक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, कौन से पेयर में ट्रेड करना चाहिए, कौन सी टाइमिंग पे ट्रेड करना चाहिए। इसके अलावा एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस की प्रीमियम स्ट्रेटजी मिलती है, आपको हमारा ट्रेडिंग सपोर्ट मिलता है, ब्रोकर के रिगार्डिंग कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है डिपॉजिट विड्रॉ में उसमें भी हेल्प मिलता है। तो प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करने का फॉर्मूला और साधन बिल्कुल सिंपल सा है, आपको हमारे दिए गए लिंक से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना होता है, और मैं बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर आपको रिकमेंड करता हूं जिनके लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो उन पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी उन ब्रोकर में अकाउंट है तो आप अपना आईबी चेंज कर सकते हैं, तो आईबी चेंज करने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, तो मुझे आप मैसेज कीजिए और वहां पर मैं आपको प्रोसेस शेयर कर दूंगा। और दोस्तों इसी तरीके से आप फायदा बनाते रहिए, उठाते रहिए और सही से ट्रेड करते रहिए। कोई भी आपका प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।